बारिश से बेहाल है, बेहाल। मैंने अभी छतरी बंद कर दी लेकिन बारिश तो लगी है, मैं क्या करूं। अब लगी है जोरदार बारिश, जोरदार क्या। देखो अब मैं पहुंच गई डेली नीड के, इधर पहुंच गई हूं। इधर से हमारे घर मतलब कम से कम 5 मिनट का रास्ता और है पैदल। प्रवेश से लगे और जगदीश के साथ, नहीं तो मैं जगदीश के साथ आई थी उसमें, क्या बोलते हैं उसको, स्कूटी में आई थी, लेकिन प्रवेश से लगे मैंने इसको लेके जा, क्योंकि उसके पास छाता भी नहीं था, मेरे पास छाता है तो मैं छाता लेके आई हूँ। ये देखो बारिश का हाल, एक तरफ अच्छा भी लग रहा है बारिश में, एक तरफ आना जाना मुश्किल हो रहा है। ये रहा डेली नीड के इधर का सीन। खुशी को लेने जा रही हूँ ट्यूशन, खुशी खुशी ट्यूशन गई है। जगदीश उठ गया है, उसको नाश्ता दे दिया लेकिन उठ नहीं रहा। मैं खुशी को लेने जा दे जाता हूँ, 11 तो बज गया, उसका ट्यूशन ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद तो शाम की ट्यूशन रहती है, उधर कोई बच्चा नहीं रहता है। तो अभी जा रही हूँ खुशी को लेने के लिए, जाएगी मैं स्कूटी से, क्योंकि खुशी को 12 बजे तक स्कूल भी जाना है। मौसम का हाल बोले तो बहुत अच्छा है आज मौसम। खुशी को लेने गई थी ट्यूशन, तो खुशी को लेके आ गई घर पे, खुशी को मैंने घर पे भेजा। अब मैं जा रही हूँ भाजी लेने के लिए, भाजी मार्केट। अभी क्योंकि धूप लगी, जब खुशी को लेने गई थी तभी बारिश थी, लेकिन अभी धूप है तो मैं आपके लिए भाजी लेके आती हूँ, उसके बाद मेरे को खुशी को भेजने के लिए स्कूल जाना है। आ गई मैं भाजी लेके, मौसम का हाल है, अभी धूप लगी है बहुत अच्छी सी। मैं तो छाता लेके भी नहीं आई थी, क्योंकि जब मैं गई थी तभी बारिश थी, अभी छाता, अभी धूप लगी बहुत जोर थी। घाम लगा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं प्रवेश का वेट कर रही थी लेकिन प्रवेश अभी तक आया नहीं, क्या मालूम आया नहीं कि अच्छा लग गया। मैं इधर वेट कर रही थी तो नहीं आया, मैं तो मैं चली जाती, क्योंकि खुशी को भी अभी स्कूल जाना है, तो मैंने बोला चल मैं जाती हूँ, क्योंकि खुशी को मैंने बोला है रोटी खाने के लिए, तो रोटी खा लेगी। अकबर सुम का हाल ही है बहुत अच्छा, सुबह तो बहुत ज़ोरदार बारिश नहीं थी लेकिन अभी धूप लगी है। मैं जा रही खुशी को लेने के लिए, खुशी का 3:30 बजे छुट्टी हो गया, आप आज है हाँ। तो आ गई मैं खुशी की स्कूल के, इधर खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मैंने कपड़े उपड़े धोए, क्योंकि सुबह के आधा बाटी कपड़े बाकी थी तो कपड़े धोया मैंने, उसके बाद उनको सुखाने डाला और आ गई मैं। अभी मैं जाएगी दूसरे रास्ते से, क्योंकि आगे वाला रास्ता बहुत भीड़ भड़ाका भी रहता है उधर, फिर उधर कीचड़ है, बहुत ज़्यादा पानी भरा है, इसलिए मैं इधर से जा रही हूँ। जैसे ठीक उसी के गेट पर पहुँचेगी ना, द्वार का भी देख, क्योंकि अभी धूप लगी है तो मस्त मस्त हो रही छतरी, मैं एक ही लेके आई, कुछ भी नहीं लेके आई छतरी को, तो इससे बारिश आएगी तो हमको रुकना पड़ेगा, नहीं आएगी तो। आ गई मैं कुछ को लेके, क्या चाहिए, 50 शेड का कलर चाहिए 50-60 का, क्या नहीं ना बड़े छोटे कुछ को कलर चाहिए, कल खाली खर्चा करा रही, बड़ा वाला ऑयल पोस्टर लाई थी, पेस्टर लाई थी, बड़ा लग रहा है क्रेयॉन्स लाई थी, तो अब आ घाम लगे ना वो चाहिए, बहुत अच्छे लगे, बहुत दिनों बाद देखी मेरे को, देखिए ना सुन ना वो बड़ा वाला रहते हैं ना छोटे जी। कौन? हेलो दोस्तों कंचन आई है, कंचन जा रही है अपने घर पे, क्या बोली, तू बोली है ना खाना वाना खा जा जाना है। वैसे भी मेरे बॉडी को सब्सक्राइब करना अभी, हाँ वो लोग बॉडी जानते हैं। तब तक आई इधर काम में, पर्स भी तो पर्स ले रही, तब तक मैं भी देख लीजिए जो के लिए पर्स ले लिया है।
मेरे वाले आई थी लगा कुछ बच्चे लोग भी आए थे तो खाना वाना खा के खिला के मैंने उनको भेजने गई थी आधे रास्ते तक। उसके पैर में हो गए बहुत दर्द हो उसको चलने को ही नहीं हो रहा था। देर उनको ये कह रही थी कि दीदी मैं चलो चल के जाते थोड़ा थोड़ा करके, मैंने बोला ज़्यादा दर्द हो जाएगा फिर बारिश आ जाएगी, इसलिए मैंने रिक्शा किया आगे नीलकंठ तक गए। मैंने रिक्शे में जाओ तुम तो हम भी पैदल घर में अपने टाइम पर घर पर आ जाते हैं तो आगे हम घर पर। अभी थोड़ा ये मेहरबानी ये रही कि बारिश नहीं आई, बारिश आती बिल्कुल पता नहीं क्या था, अभी थोड़ा बारिश थी फिर चलो आ गए हम घर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना।